इसराइल और हमास के बीच जंग अब और भयंकर हो सकती है। जब से हमास चीफ की हत्या हुई है तब से शक इसराइल पर गहरा है। ईरान के नए राष्ट्रपति ने जैसे ही शपथ ली उसके अगले दिन तेहरान में मौजूद इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया की मौत से अब मिडिल ईस्ट में तनाव गहरा रहा है। हानिया की मौत से ईरान तिलमिलाया हुआ है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ईरानी सेना को इसराइल पर सीधे हमला का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अकेला हमला नहीं करेगा। इस हमले में उसे दूसरे देशों का भी साथ जरूर मिल सकता है। ईरान के साथ जंग में उतरने वाले कौन से देश होंगे इस पर चर्चा तेज है। ईरान को फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूतियों का भी समर्थन है। ये संगठन जंग में इसराइल के खिलाफ ईरान का जरूर साथ देंगे। इसराइल पर ईरान के इस हमले में तेहरान के कई सहयोगी देश उसका साथ दे सकते हैं। इसमें इराक से लेकर सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देश शामिल हो सकते हैं। इसराइल की सीमा मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से लगती है। मिस्र और जॉर्डन को अगर छोड़ दें तो इसराइल कई ईरान समर्थित देशों से घेरा है। साथ ही इराक, सीरिया और बहरीन में ऐसे कई ग्रुप हैं जिनका ईरान को समर्थन है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुश्मन देशों को पहले ही चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश पर किसी भी मोर्चे पर कोई भी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की हत्या के बाद ये पहला बयान जारी किया। हालांकि इसराइल ने इस्माइल हानिया की हत्या पर अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब जिस तरह से बदला और हमला की बात हो रही है उससे युद्ध कभी भी हो सकता है।